लोगों ने जात और पात के आपके बीच में आकर नारा देंगे, मगर जात और पात पर नहीं जाना है, हमें जमात पर जाना है, जमात पर जाना है, हमें जमात बनाना है और अमर जी को जिताना है। और आने वाले दिनों में मैं आपको एक बात कह देता हूँ, क्योंकि अभी सरसिंहपुर में हमारा वहाँ पर बैठक है, वहाँ पर हजारों लोग वहाँ पर भी जुटे हुए हैं, वहाँ जाना है, इसीलिए पहले हमने बोलने का समय लिया है। आप लोगों से यही निवेदन करने के लिए आए हैं कि आप एक संकल्प लेकर जाइए आप यहाँ पे कि एक एक पल राष्ट्रीय जनता दल, एक एक पल राष्ट्रीय जनता दल और लालू और तेजस्वी रूपी बल का समा जलाए रखिए। और हमारे अमर जी चुनाव जीत रहे हैं, महान निवेदन है बहुत ज्यादा बोला। अगले सप्ताह के रूप में हम लोग के बीच पूर्व एमएलसी आदरणीय बड़े राय दलित भारती जी से मैं चाहूंगा कि अपनी विचार बदल चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रखंड अध्यक्ष यादव जी। आपके इस कार्यक्रम के और पूरे विधानसभा क्षेत्र के आकर्षण के केंद्र राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार अमर पासवान जी आपके कार्यक्रम को उद्घाटन करता, अमर पांडे जी पार्टी के विधायक मोहम्मद इसाइल मंसूरी जी, रायगढ़ विधायक निरंजन राय जी, युवा राजद के प्रदेश के अध्यक्ष काली साहू जी और यहाँ उपस्थित तमाम मतदाता साथियों, नौजवान मित्रों, हमारे उम्मीदवार जी को बोलना है और चुनावी सभा है, कई जगह इन्होंने अपना कार्यक्रम किया है, मैं आपके और इनके बीच में विवाद करना नहीं चाहूंगा। लेकिन हमारे मुखिया पूर्व मुखिया जी और यहाँ अति पिछड़ा समाज के जिला के अध्यक्ष जो सानी समाज के है, इन्होंने कुछ बात इशारों में किया है, मैं उस संदर्भ में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मुकेश सारे जी हम लोग के नेता रहे हैं, जब पहली बार बिहार की बातचीत में जब उनका पदार्पण हुआ तो उन्होंने घोषणा किया दुनिया और मला बाय बाय, माने हम लोग दुनिया ये लोग मला, ये नारा दिया था। लेकिन हम लोग पूरा नेता के तौर पर चाहे दुनिया समाज हो या निषाद समाज हो उनको नेता माने का काम किया। और उनको जब मौका मिला विधानसभा चुनाव में इनको टिकट दिया, समझिए मैं सानी भाइयों को कहना चाहता हूँ, लुनिया भाइयों को कहना चाहता हूँ, सब टिकट न लुनिया को दिया न मला को दिया, सब दूसरे को टिकट दे दिया, आज उनको हटा दिया, चार को तो कम्बा था, तीन को कम्बा भाग गया, कौन लोग थे इनको टिकट दिया, इनकी बात करता था, बात को समझने की जरूरत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये जो रुपया है इसे बचना है, हम लोग नेता माने थे, रुपया का मतलब क्या है, हमारे गांव में कस्बे में टोले में जब नंद समाज के लोग जब घूमता है तो जो घना बस्ती है वहाँ वो डेरा नहीं डालता, वो चला जाता है जंगल की ओर, नदी की ओर, पोखरा की ओर और तम्बू गाड़ा और उसमें रहना शुरू किया, भोर में या रात में जाएगा जंगल की ओर, खेत की ओर और जाने के बाद और कहीं सिक्किम की बोली बोलेगा, कहीं सियाल की बोली बोलेगा, कहीं दिल्ली की बोली बोलेगा, कहीं चुहा की बोली बोलेगा, और जंगल में जाने वाला ये जो जानवर है वो निकलता है कि अमर जात आया है, हमको खोज रहा है,
जैसे वो जंगल से निकला भाला मारा और उसको ले गया पकड़ा पका के खा लिया। वही हाल मुकेश सहनी जी का है। इसलिए मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस चुनाव के भाव में नहीं रहना है। केंद्र सरकार में क्या है जब लोग मोदी 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 करते रहे लाखों करोड़ों नौजवान पब्लिक के बेरोजगार पड़ा हुआ है रोजी रोटी की तलाश में भटक रहा है। एक भी नौजवानों को कई साल दो बार हुआ ना किसी को नौकरी दिया। आज क्या है रेलवे दिख रहा है हवाई जहाज दिख रहा है डीसीसीएल दिख रहा है LIC दिख रहा है कहाँ से देगा नौजवान। दिव शब्द दिखाता था भाषण देता था इसलिए साथियों मैं कहना चाहता अपने बेटा को भविष्य को संभालना है उज्जवल भविष्य बनाना है खेत खलियाने में हरियाली लाना है। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार भाई अमर पासवान जी आपके बीच में खड़े हैं। आज तो सौभाग्य है दो अमर हमारे साथ है। एक अमर पांडे जी जिनके पिताजी लगातार मुजफ्फरपुर शहर के MLA रहे। मैं भूमिहार भाइयों को नहीं बल्कि तमाम पिछड़े जाति पिछड़े दलित समाज से मैं कहना चाहता हूँ रघुनाथ पांडे की जो कृति रही है जो योगदान रहा है जो काम किया है वो इतिहास के पन्ने में दर्ज है। आज मेडिकल कॉलेज किसने बनाया आज इस मेडिकल कॉलेज में दूर दूर जिले के भी लोग आकर अपना इलाज कराते हैं। इस तरह कई काम उन्होंने किया और आज अमर पांडे जी आए हैं क्या उद्घाटन किया है यानी पूरे के पूरे क्या जो ब्रह्मी समाज के लोग हैं कुछ लोग बोल रहे थे पर हम तो कल भी रात में 11 बजे यहाँ से गए काशी भी गए कहाँ भी जा रहा है किसी की चर्चा नहीं किसी का बोल नहीं है। हर जगह बिना गाय हुए बिना बोले हुए बिना उम्मीदवार का नाम बताए हुए लोग कहता है अमर पासवान को अमर पासवान जी के पिता प्रतापी पासवान जी और मेरे पिता दोनों फलदारी करते थे। हम उस फलदार के बेटा है ये भी फलदार के बेटा है और प्रतापी पासवान जी ने इस इलाके के जो दलित है जो पिछड़ा है जो अति पिछड़ा है वैसे तमाम लोगों को नौकरी देने का काम मुसाफिर पासवान ने किया। ये है मुसाफिर पासवान का आज उनका बेटा को तेजस्वी यादव की जो गरीबों के नेता है कौन है गरीब का नेता कौन पार्टी गरीब की बात करता है कौन पार्टी गरीबों को कलर करता है एक पार्टी है। मैं तो इस पार्टी में नहीं था मैं तो था जनता दल यू में MLC था लेकिन मैंने देखा हिंदुस्तान और बिहार में गरीबों की उदाहरण करने वाला वो गरीब जो वर्षों से एक मिनट हलन किए वो गरीब जो वर्षों से मान में सम्मान में धन में दौलत में इज्जत में प्रतिष्ठा में सत्ता से वंचित रहे वैसे लोगों का मान सम्मान से लेकर लाल यादव ने किया और वही लाल पर तेजस्वी यादव जी चल रहे हैं। इसलिए मैं आपसे तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि भूलिएगा नहीं जो आदमी भूल गए वो गए हमारे समाज में कहावत है जाल से गीला बंदर और समय का चुका इंसान दोनों का समय समाज में कोई इज्जत नहीं है। ये समय आपका है समय को शुक्र ले लीजिए। एक एक वोट एक एक मत लाल सिंह को जिताकर वोट देकर भाई हमारा छोटा भाई है अमर पासवान को जिताना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को अपने वक्ता के रूप में मैं बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के प्रवक्ता मोहम्मद समी इकबाल साहब जी से मैं चाहूंगा कि अपनी बात को रखें। सभा के अध्यक्ष
मोहम्मद को लेके भूषा विधानसभा के लोग सीधे उम्मीदवार हम लोगों के खुद के भाई हमारे पासवान जी मंसूरी साहब जी राय जी युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष चालीस मेहर साहब कमल पांडे जी गणेश बापी जी सुबोध जी जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी दोस्तों और साथियों 12 तारीख को चुनाव है, 16 तारीख को परिणाम आएगा और 16 तारीख को जो परिणाम आएगा उसमें निश्चित रूप से अमर पासवान जी होगी उसका मुख्य कारण यह है कि बिहार में और देश में बढ़ती हुई महंगाई बढ़ती हुई बेरोजगारी करुआ तेल से लेकर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े नफरत बढ़ी है और आम लोगों को सरकार से भेंट नहीं है मुख्यमंत्री से भेंट नहीं है। जब लालू यादव का राज था तो लालू यादव क्या आम आदमी जाता था ब्लॉक में आम आदमी जाता था सो जाता था अपना काम करा लेता था और वीडियो को जांचता था कि काम अगर नहीं हुआ तो चल जाएंगे लालू जी के यहाँ पूरे सामान्यों के हाथ में है। चुनाव से मैसेज जाएगा किसी का बदलाव चाहिए चुनाव से मैसेज जाएगा